हम लोग को भगाया गया है। हम लोग एक शिक्षक है, जेएमएम कार्यालय में हम लोग बारिश से बचने के लिए गए। आज हम लोग एक दिवसीय धरना भी है। क्षेत्र में जवाब देगा ना, जो हम लोग का प्रहार किया है ना, उस क्षेत्र में जवाब देंगे। इतना मैं चूर होकर ऐसा मत कीजिए। आने वाला समय ये ऊपर वाला देखा नहीं, और बिना अनुमति बिना सूचना के जाते तो ये कहीं से उचित नहीं। आपके चैनल को सबसे पहले धन्यवाद देते हैं सर। हमारी सरकार झारखंड सरकार, हम लोग पूरा प्रदेश भर के पारा शिक्षकों ने तन मन धन से सरकार हम लोग बनाने में मदद की है, ताकि झारखंड के पारा शिक्षकों का भला कर सके। तो फिर से एक बार राजधानी रांची में जितने भी पारा शिक्षक हैं वह जो है उग्र होते हुए नजर आ रहा है। कल आप देखे होंगे कि कांग्रेस कार्यालय में जो है इन्होंने धरना दिया था, और आज जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो कार्यालय है हरमू स्थित, वहाँ ये तमाम जो है कार्यकर्ता पहुँच चुके हैं। क्या कुछ कहना है तमाम कार्यकर्ताओं का, आप तस्वीरों में देखिए कि किस तरीके से जो है सभी अपनी अपनी मांगों को लेकर जो है वेतनमान, चूँकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जो चुनाव में इनसे वादा किया था वह वादा यह जो है पूरा कराने को लेकर आए थे। चूँकि जो शिक्षा मंत्री थे जगन्नाथ महतो, उन्होंने इनका नाम जरूर पारा शिक्षक से सहायक अध्यापक किया, लेकिन इन सभी का कहना है कि हमें वेतनमान नहीं दिया गया। इन तमाम मांगों को लेकर जो है कई चरण में वार्ता भी हुई, लेकिन उसके बावजूद भी कोई प्रतिफल नहीं निकल पा रहा है। चूंकि इस वक्त जो है शिक्षा विभाग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास है, इसलिए ये तमाम कार्यकर्ता कल कांग्रेस कार्यालय पहुंचे और आज जेएमएम कार्यालय के पहुंच गए हैं। क्या कुछ कहना है तमाम कार्यकर्ताओं में, जो है भरी बारिश में भी जो है यहाँ छतरी लेकर कई सारी महिलाएं भी हैं, कई सारे पारा शिक्षक पहुँच चुके हैं और आर पार की मूड में अब अपने आप को बता रहे हैं जब तक निष्कर्ष नहीं निकलता। क्या कुछ कहना है तमाम पारा शिक्षकों का, यह कुछ देखिए। भगाया गया है, हम लोग एक शिक्षक है, जेएमएम कार्यालय में हम लोग बारिश से बचने के लिए गए। आज हम लोग एक दिवसीय धरना भी है, लेकिन जेएमएम कार्यालय के कार्यकर्ताओं द्वारा हम लोग को बोला कि यहाँ आप लोग को कोई ऑथराइज नहीं है और हम लोग को भगाया गया। आप बताइए कि जो हम लोग एक शिक्षक हैं, बारिश में हम लोग कहाँ रहेंगे? यहाँ रहने का कोई छावनी नहीं है। अब इस तरह से हम लोग जब अंदर गए हैं बारिश से बचने के लिए, तो वहाँ से हम लोग को भगाया गया। बोला क्या ऑथराइज है, क्या ऑथराइज है, क्या पेपर है। पूरे झारखंड के 24 जिले से हम लोग आए हुए हैं। राज्यव्यापी कार्यक्रम के तहत कल हम लोग का भूख हड़ताल कांग्रेस कार्यालय में था, आज हम लोग का जेएमएम कार्यालय में धरना है। चूँकि पानी गिर रहा था इसलिए हम लोग शिक्षक हैं, हम लोग आदमी हैं, हम लोग इस हमारा लगभग हम लोग 40,000 हैं सब पास है। कितने साल से नौकरी? 41,000। आज हम लोग 20 साल से हम लोग पारा शिक्षक। दिक्कत क्या है? दिक्कत यही है कि 2018 में ये जो सरकार जब चुनाव के समय में हर एक स्टेज पर जाके ये कहा गया था कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम 3 महीने के अंदर में पारा शिक्षकों को वेतनमान देंगे। चूंकि आज 4 साल ने तो कर दिया था, शिक्षा मंत्री ने वेतनमान कहाँ दिया हमें? शिक्षा मंत्री केवल 40% की वृद्धि किया है, नाम बदल सहायक अध्यापक कर दिया। जो हमारा नियमावली है, उस नियमावली जो EPF कल्याण कोष अनुकंपा है, उसको आज तक धरातल पर नहीं उतारा गया। शिक्षा मंत्री हमारे भगवान थे, लेकिन शिक्षा मंत्री जब गुजर गए हमने सोचा कि ये मुख्यमंत्री के पास में शिक्षा विभाग है, बहुत आशा उम्मीद किए हुए हैं और अभी भी हम आशा रखते हैं कि यही सरकार हमें करेगी। लेकिन समय बीत चुका है, 4 साल हो चुकी है और 7 महीने 8 महीने बाकी है। हम इस सरकार से ये करते प्रार्थना करते हैं कि आपका समय रहते हुए आप हमें वेतनमान मांगे। पूरी हो रही है? कहाँ पूरी हो रही है सर? कौन सा मांग आप बताइए, कौन सा मांग हम लोग का पूरी हुई है? एक भी मांग पूरी नहीं हुई है। नाम सिर्फ हम लोग को पारा टीचर था सहायक अध्यापक किया गया, और क्या किस्मत नहीं बदला? नहीं, किस्मत नहीं। आज हम लोग प्रकार से पूरे झारखंड में एक प्रोपोगंडा चलता था कि ये पारा टीचर फॉर्जरी पारा टीचर है, इनका प्रमाण पत्र गलत है, लेकिन उसके बाद भी सरकार की ओर से हमारे पूरे 62,000 पारा शिक्षक प्रमाण पत्र जांच हुआ और वो पत्र 100% सटीक निकला। उसके बाद हम लोग को परीक्षा ली गई आकलन परीक्षा, उस आकलन परीक्षा में 75% हमारे पारा शिक्षक पास कर गए। उसके उपरांत भी हमें आज वेतनमान नहीं दिया जा रहा है। क्या क्या आप लोग आगे अब क्या रणनीति? हम लोग आज जैसे जेएमएम कार्यालय में जो धरना प्रदर्शन है, आज हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे। उसके बाद राज्य कमेटी के निर्णय अनुसार आगे का रणनीति तैयार किया जाएगा। क्या और भी संख्या में आप लोग आएगा? हाँ, महिलाएं पूरे झारखंड के 24 जिला से आए हुए हैं। हम लोग 4 साल इस सरकार के विरोध में कुछ भी नारा भी नहीं लगाए। दिक्कत यह है कि यहाँ की अनुमति हम लोग को ली गई थी कि यहाँ पे ज्ञापन सौंपना है, लेकिन शायद इन लोग के पास लेटर नहीं मिला। लेटर मिला है, शुक्रवार को ज्ञापन दिया गया है। कल क्या बात हुई, कौन सा दिया आप लोग, कुछ निकला निष्कर्ष निकला वहाँ कुछ कार्यालय? निष्कर्ष के लिए अभी मंत्री जी आए हुए हैं, उन्होंने बुलवाई भेजी तो हम दो प्रतिनिधि। कौन मंत्री है? रामेश्वर उराव जी, यहाँ कांग्रेस कार्यालय में आए हुए जी। हमारे एक साथी हम लोग वहाँ अभी वार्ता चल रहा है और हम लोग पहले यहाँ दे चुके हैं विज्ञापन। और अभी यहाँ का जो जेएमएम के जो प्रवक्ता है वो बोल रहे हैं कि कोई विज्ञापन नहीं है, आप लोग बाहर निकलिए। यहाँ कौन है आप लोग बैठने वाला है? हम लोग बाहर निकल गए, पानी बाहर निकले हुए हैं और हम लोग विज्ञापन पहले दे चुके हैं कि कार्यालय एकदम रहेंगे, क्या करेंगे। अभी शुरुआत है, अभी और रुझान अभी आ ही रहा है साहब। अभी रेलवे स्टेशन साहब बैठा हुआ है, अभी हम लोग लगभग 20 से 25 हजार यहाँ जुड़ाव करेंगे और पूरा हम लोग एक साथ होने वाले हैं आने वाला समय में। इतना चीर हो गए हैं कि मानवता के नाम का चीज नहीं है। नौकरी धरना प्रदर्शन अलग बात होती है। मेरा कहना है आप प्रोटोकॉल की बात करते हैं, झमाझम बारिश हो रही है, लोग 24 जिला से आए हुए हैं, एक महिला यहाँ पर है, आपने धक्का मार के निकाल दिया, ये कहाँ से उचित है? बहुत सी महिला है। आप अपना ऑफिस में गए थे, प्रोटोकॉल की बात की, आपके अंदर भी इंसानियत नहीं है। धरना प्रदर्शन बात की बात है, आपके ना मानवता है ना मानवीय नाम गुण हो जाइए कुछ। आप लोगों को क्या एग्जामिनेशन देना पड़ा था? या एग्जाम देखिए, अभी हमारे नेतृत्वकर्ता गए हुए हैं, आएंगे आपसे बात होगी। फिलहाल हम दो शब्द आपसे बोलना चाहेंगे कि मानवता नाम का चीज होती है। आपके ऑफिस में गया, हम लोगों को धक्का मार के आपने निकाल दिया। मैं चूर होकर ऐसा मत कीजिए। आने वाला समय ये ऊपर वाला देखना, नीली छतरी वाले के पीछे में हम लोग है ना, समय पर सब हो गया, चिंता करने की बात नहीं। अभी मेरे नेतृत्वकर्ता आएंगे, आपसे मुखातिब होंगे, बात होगी, प्रतिफल निकलेगा। इनके पास 15 महीना का समय है, मेरे पास 15 साल का समय है। 15 महीना काफी होता है इनको सत्ता से बेदखल करने के लिए। हम लोग झारखंड का माटी का जो कि हम लोग टीचर हैं, उपज हैं, और हम लोग इनको वोट दे के यहाँ पर भेजे हैं। आज अपने घर से निकाल दिया ना, कल इनका विधायक मेरे क्षेत्र में जाएंगे, घसीट के जो कि अपना गाँव से निकाल देंगे। और ये जो सत्ता को लोभ दिखा रहे हैं ना, अगला जैसे रघुवर दास को निकाल नहीं, उसी तरह रघुवर दास जैसा भी जो कि क्षेत्र निकाल देंगे। नहीं, हम लोग भी वार्ता, अभी हम लोग सब जुट रहे हैं, अभी धरना प्रदर्शन है। हम लोग पानी पड़ रहा था, जेएमएम कार्यालय में हम लोग अंदर में बैठे थे, नहीं बैठने दिया, हम लोग को निकाल दिया, बाहर कर दिया कि बाहर निकलो। आप लोग वोट नहीं दिए होंगे चुनाव में? वोट हम लोग जेएमएम को बहुत समर्थन किए जी, बीजेपी का। वैसा कोई बात नहीं, हम लोग समर्थन करके सरकार बनाए। हम लोग एक शिक्षक, हम लोग किसी का आदमी नहीं है। हम लोग जो हमारा पेट भरेगा, हम उसका आदमी है। हमको मान सम्मान चाहिए। हम लोग वहाँ पे बैठे हुए थे, हम लोग जो वहाँ भी जाएंगे, अभी तो शुरू हुआ कार्यक्रम, वहाँ शुरू हुआ। उस क्षेत्र में जवाब देगा ना, जो हम लोग का बाहर किया है ना, उस क्षेत्र में जवाब देंगे। जी हमारा हाफिजुल हसन मंत्री है, हम मधुपुर में वो जवाब देंगे कि यहाँ से हम लोग को निकाला गया है, मधुपुर में वो जवाब देंगे। नहीं, कोई बातचीत नहीं हुई है और ना धरना का कोई सूचना हम लोगों को है, ना कोई ज्ञापन का सूचना है। मैंने तो आते ही पूछा कि भाई कोई सूचना आप लोगों ने अगर दिया है तो बताइए, लेकिन कोई भी सूचना इन लोगों के तरफ से प्राप्त हम लोगों को नहीं हुआ है और ना ये लोग बता भी पा रहे हैं। अब जहाँ तक इनके मांगों की बात है तो इनसे जब बातचीत हम करेंगे, इनका जब कोई ज्ञापन हमारे पास आएगा उसके बाद ही हम कोई इस पर प्रतिक्रिया दे पाएंगे। लेकिन जहाँ तक मुझे जानकारी है इन पारा शिक्षकों के बारे में कि सरकार की जो नियमावली बनी है और इन सारे लोगों के सहमति से बनी है, तो उस नियमावली के तहत सरकार काम कर रही है और इनकी कोई बात है तो उस बात को शालीनता से रखने का काम करना चाहिए। और जब वो अपनी बात रखेंगे उसके बाद फिर हम सरकार के स्तर पर जो भी बातचीत होगी हम उसको बात को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन सभी लोग हमारे ही लोग हैं, इस राज्य के लोग हैं। लेकिन फिर भी अगर आप किसी के घर में, किसी कार्यालय में अगर आप जाते हैं और बिना अनुमति, बिना सूचना के जाते हैं तो ये कहीं से उचित नहीं है। नहीं, मैं तो आप लोगों के सामने ही प्रवेश किया हूँ कार्यालय में, और कार्यालय में पहले से यहाँ पुलिस प्रशासन के लोग भी हैं, उन लोगों के द्वारा ही जो बातचीत हो रही है, उन लोग से ही बातचीत हो रही है। और उन लोगों ने जो मुझे बताया कि हम लोगों को बोला गया है कि हम ज्ञापन देने के लिए यहाँ पर आए हैं, लेकिन यहाँ पर वो आकर के और कार्यालय के अंदर सभागार जो है हमारा उसमें वो धरने पे बैठे हैं, वहाँ भाषणबाजी कर रहे हैं। तो ये कहीं से उचित नहीं है।